नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज सी। दोस्तों, देश का तापमान जो है कि बहुत काफ़ी है, कहीं 50 से कहीं 55 कहीं 60 तक जो है कि तापमान जो है कि बताया जा रहा है। राजनीतिक हलचल का तापमान जो है कि उतना ही जो कि काफ़ी तेज जगह गर्म है। दोस्तों, साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कैमरा के सामने अपने आप को एक संत साबित करने का जो महापुरुष नाटक जे के करते हैं, उससे कहीं बहुत अच्छा जे कि किसी कॉमेडियन नाटककार का प्रदर्शन जे के रहता है। दोस्तों, बहुत ऐसे साधु संत महात्माओं को देखा गया है जो लगातार जे की तपस्या करते हैं, उस तपस्या के बारे में कोई नहीं जान पाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ऐसा महसूस हुआ कि इस बार की जो राजनीतिक है, इसमें हमारी तपस्या में कहीं ना कहीं जे की कमी रह चुकी है। उस तपस्या को पूरा करने के लिए तमिलनाडु के क्षेत्र में जे कि नरेंद्र मोदी जी तमाम कैमरा के सामने जे कि बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। यह तपस्या किस हद तक जे कि सफल होगा, यह इस बार जे कि जरूर देखने के लायक जे कि होगा। दोस्तों, यह थोड़ा सा एक रिपोर्ट में देखिए, यह जे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का दोनों का बूथ लेवल पर जे कि एक ही जगह स्टेज लगा हुआ है। दोनों में जे कि आप फर्क देख सकते हैं कि कांग्रेस के पास कितना भीड़ है, गठबंधन में है, और भारतीय जनता पार्टी इसी जे कि बूथ की मैं बात कर रहा हूँ कि पिछली बार जे कि 2019 में इतनी काफ़ी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जे कि रुझान था लोगों का, वह रुझान जे कि बिल्कुल जे कि गायब होती नज़र आई है। दोस्तों, आज का 7वां चरण का चुनाव जे कि हो रहा है, मतदान जे कि हो रहा है, इसमें तमाम जे कि अधिकारी जे कि आए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका लगा, उसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तीन लोगों के ऊपर जे कि जो आरोप, अमित नाम से एक पायलट हैं जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, उन्होंने जे कि लगाया, और उसमें जे कि क्या लगाया इस आरोप में, याचिका में, कि नरेंद्र मोदी जी अपने जे कि निर्वाचित क्षेत्र में झूठी शपथ लिए, इनको 6 साल तक बैन कर देना चाहिए, यह चुनाव नहीं लड़े। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वह जे कि जो याचिका था वह खारिज हो गया था। लेकिन दैनिक जागरण ने उसे छापा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख लीजिए कि इसमें आरोप है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तीनों लोग मिल करके एक जे कि एयर इंडिया फ्लाइट को दुर्घटनाग्रस्त कराना चाहते थे, इस विमान को जे कि उड़ा देना चाहते थे, इसका आरोप जे कि बाकायदा इसमें लगाया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। आप इससे जे कि स्पष्ट जे कि पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, मैं स्क्रीन शॉट पर जे कि लगा दिया हूँ। दोस्तों, जे कि मैं इस बात को नहीं समझ पाता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा का नारा देने वाला ऐसा पहला ऐसा शख्स है जो नाटक में सबसे अव्वल है, सबसे ज़्यादा नाटकीय, और सबसे ज़्यादा अपने आप को उस स्तर तक गिराना, लोगों को किस हद तक जे कि ले के जाना, यह जे कि एक उसकी फितरत जे कि बनी हुई है जिसमें लोग जे कि परेशान होते नजर जे कि आए हैं। दोस्तों, मैं बताऊं कि इस बार का जो चुनाव है वह सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया जे कि परफॉर्मेंस करने वाले कांग्रेस पार्टी को भी थोड़ी सी जगह जगह पर शिकस्त देना जे कि उचित समझा है। लेकिन इस बार लोगों की जनता की जो मूड है वह जे कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नहीं है, इसका रीजन क्या है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जो व्यक्ति देश का सर्वोच्च बनकर देश के नागरिकों को लूटे, देश को एयर जो फ्लाइट है उसे जे कि दुर्घटनाग्रस्त कराना चाहे, वैसे व्यक्ति को रखना चाहे या नहीं रखना चाहिए, आप हमें जरूर बताइएगा। ऐसे व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो लोगों को सपोर्ट करके बहुत कुछ ऐसा जे कि काम करना चाहते हैं जिसमें लोग जे कि त्रस्त नजर आ रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल आज का वोट
आज शाम तक जे कि वह देख लेंगे, रात तक देख लेंगे, वह उनको फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। और उसने जे कि अपने आप को ऐसा जे कि उसमें साबित किए जे कि बताए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से अपील किए हैं, वह अपील आप सुनेंगे तो भावुक हो जाएंगे। दोस्तों, देश रहे या ना रहे, लेकिन ऐसा नेता करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का इस नीति के अनुसार जे कि काम करने का यह पुराना फितरत है कि देश रहे या ना रहे, ऐसे नेता जे कि रहना चाहिए। जबकि इसकी अपोजिट जब क्रांति शुरू हुई थी तब जे कि बोला गया था कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन यह देश रहना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत काम करने पर जे कि उमादा और उतारू जे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज उस नतीजे की तरफ जे कि इशारा कर रहे हैं, उस नतीजे को देख रहे हैं लोग। किसी न किसी तरीका से इस बात को जे कि समाप्त करने कर दिया जाए। दोस्तों, आज जे कि हम अपने जे कि बूथ लेवल से सातवें चरण में जे कि हमने जे कि वोट डाला है और वोट डाल के जे कि आए हैं। दोस्तों, वहां पर जे कि बताया जा रहा था एक ग्राम प्रधान के द्वारा जे कि बोला गया कि आप बटन कहीं दबाएं जाएगा वहीं। इस पर जे कि समाजवादी पार्टी के एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता है, वह जमकर लताड़ लगाया उस प्रधान को भी, जो प्रधान बोला था कि बटन कहीं दबाएं वोट वहीं जाएगा। क्या मतलब है इसका कि आप बटन कहीं दबाएं वोट वहीं जाएगा? किसी की बाप की बपौती राजनीति नहीं है। लेकिन जिस तरीका से तेजस्वी यादव का कमर टूटा और उसके बाद से जे कि परफॉर्मेंस किए हैं नरेंद्र मोदी को, जो नाटक जे कि दिखा रहे हैं तमिलनाडु में, और जो फ्लाइट से दुर्घटनाग्रस्त जे कि कराने का आरोप जे कि उन पर लगा है, जो प्रयास किए हैं उन्होंने, इस हिसाब से पुलवामा जे कि अटैक है, यह सभी चीज़ों को जांच करके उन्हें जे कि बिल्कुल जे कि बैन कर देना चाहिए। जबकि एक 70 साल की माँ बाप को एक 75 साल का बेटा वादा करता है कि हम आपकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, अग्निवीर को 22 साल में रिटायर करने वाले आज अपने आप को देश हित में जे कि बताता है, तो ऐसे व्यक्तियों से आप किस तरीका से निपटेंगे हमें जरूर बताइएगा। और आज आखिरी दिन है, 4 तारीख को इंतजार जरूर करें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करें। बात समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।